लालू जी जाति की नहीं परिवार की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जाधवों से कोई मतलब नहीं, बस अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने से मतलब, प्रशांत किशोर ने कहा। जन सुराज पदयात्रा के दौरान वैशाली में एक आम सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों को लगता है कि नेता जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि नेता कभी जाति की राजनीति नहीं करता। आप कहते हैं कि लालू जी जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन अगर लालू जी जाति की राजनीति कर रहे होते तो वो कहते कि बिहार का मुखिया यादव समाज का कोई लड़का होगा, आप सब राजद को वोट दीजिए। लेकिन लालू जी कह रहे हैं कि आप RJD को वोट दीजिए, बिहार का मुखिया मेरा लड़का होगा। ये जाति की राजनीति नहीं है, ये परिवार की बेटे की राजनीति है। लालू जी अकेले नहीं है, कोई माझी है, कोई कुशवाहा है, कोई पासवान जी, तो जो जिस जाति का नेता है वो अपने और अपने बच्चों की चिंता कर रहा है। जाति में आप और हम उलझे हुए हैं। आपसे पूछेंगे कौन करता है जात का राजनीति, आप तुरंत कहिएगा कि लालू जी जात का राजनीति करते हैं। तो भैया लालू जी अगर जात, हम आपको कह रहे हैं कि लालू जी जात का राजनीति करवे नहीं करते। अगर लालू जी जात का राजनीति करते तो ये न कहते कि बिहार का मुखिया हर हालत में यादव समाज का लड़का होना चाहिए, और सब यादव जी भाई लोग आप लोग RJD को लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी नहीं न कह रहे हैं, लालू जी कह रहे हैं कि हर हालत में बिहार का मुखिया मेरा लड़का होना चाहिए, और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। जात का राजनीति कहां हुआ, ये तो परिवार का बेटे का राजनीति हुआ। लालू जी अकेले नहीं है, कोई पासवान जी हैं, कोई माझी जी हैं, कोई पंडित जी हैं, कोई कुशवाहा जी हैं, जो जिस जात का नेता है, नेता अपना और अपने बच्चे की चिंता कर रहा है। जात में आप और हम अजुराए हैं, नेता जात का चिंता नहीं कर रहा है। अगर नेता जात का चिंता करता तो कम से कम जिन जातियों के लोग मुख्यमंत्री बने उन जातियों का तो कल्याण हो गया रहता। मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उससे मुसहर समाज का कल्याण हो गया, सब यादव जी भाई लोग धनी हो गए, सारा मुसलमान धनी हो गया। अरे जात में आप फंसे हैं, नेता नहीं फंसा है। नेता अपने बेटा की चिंता कर रहा है, तो हम आपसे हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि आप भी अपने बेटा का चिंता कीजिए।